बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। सालार खान के YouTube चैनल में आपका खुश आमदीद, जहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। ये आपकी बुक की एग्जांपल्स नहीं है जी, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का मेरा मकसद ये है कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है जी, तो उस कन्फ्यूजन को आज की वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। अब जब आप ये वीडियो देख लेंगे ना, तो अगली जो आपकी बुक एग्जाम्पल जो बुक का जब सवाल आता है, एंट्री टेस्ट का सवाल, वो आपको इतना आसान लगता है जितना कि पानी पीना। पानी पीना शायद फिर भी आपको मुश्किल लगे, फिर उठ के जाना, फिर पानी का गिलास भरना, फिर उठा, वो फिर भी मुश्किल होगा। लेकिन जब आप ये वीडियो देख लेंगे, इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट फिगर उससे भी आसान होगा, गारंटी है जी। हमारे टीचर कहते हैं मनी बैक गारंटी, वो ले लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सवाल लिख रहा हूँ, आप जरा क्या मुझे बता सकते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? पहले लिख के जरा मेरे साथ लिख के, और फिर बाद में जो है ना, आपने क्या करना है, आपने वीडियो को जब मैं कहूँ कि पॉज करें और मुझे कमेंट करें कि इसमें कितने जीरोस, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, लिखते जाए, ये लिखते जाए। बस ये काफ़ी है यार, ये काफ़ी है। ठीक है, तो अच्छा इधर ये आपने देख लिया, ज़रा वीडियो को पॉज करें और इन सारों में मुझे बताएं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने। आप ये ना लिखिए कि 73 और फिर ये और ये, इस तरह ना लिखिए। फॉर एग्जांपल इसमें दो है, बस दो लिखिए, कॉमा कॉमा लगाए। नेक्स्ट में पांच है, पांच लिखिए, कॉमा, इस तरह कॉमा कॉमा लगा दीजिए और सारों की मुझे बताएं, ज़रा वीडियो को पॉज करें। अच्छा, लिख दिया आपने कमेंट सेक्शन में, यार ठीक और गलत किया परवाह ना करें ना। ठीक है, जब आप गलत लिखेंगे और फिर इधर आप सही सीखेंगे, तो ओनली तब आपको रियलाइज होगा सही क्या होता है, गलत क्या होता है। आप अगर नहीं लिखेंगे, शर्माएंगे या गलत की वजह से, या कह रहेंगे मुझे नहीं आता, तो उस तरह फिर मजा नहीं करता। ठीक है, लिख के लिखे, पॉज करें और लिख के कमेंट सेक्शन में। अच्छा, आई होप कि आपने लिख लिया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ 73 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। All non-zero digits are significant. इसका मतलब दो नॉन जीरो है, दोनों सिग्निफिकेंट है, टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 732 अगेन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 3। 4562 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। 702 देखे, जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट है, तो ये इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगेन 7 इन बिटवीन इज सिग्निफिकेंट, 0 इन बिटवीन सिग्निफिकेंट, तो इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4063 में अगेन चार सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज 0 इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सिग्निफिकेंट। 0 टू द राइट, 0 टू द राइट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट डिपेंडिंग ऑन द लीस्ट काउंट। ठीक है, अगर डेसिमल नहीं है, पहले तो डेसिमल पे डिपेंड करता है, फिर अगर डेसिमल नहीं है तो वो डिस्काउंट पे डिपेंड करता है। डिस्काउंट इज गिवन तो दैट डिपेंड्स, इधर डिस्काउंट गिवन नहीं है, सो जीरो टू द राइट इज नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अच्छा, जीरो टू द राइट इज सिग्निफिकेंट इफ यू हैव अ डेसिमल पॉइंट, और जीरो इन बिटवीन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। इसका मतलब इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगेन जीरो इन बिटवीन भी है, डेसिमल पॉइंट भी है, तो ये सिग्निफिकेंट है, चार सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें भी है। अब देखिए, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, लीस्ट काउंट गिवन नहीं है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, जबकि ये दोनों इन बिटवीन टू नॉन जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब इसमें टोटल चार सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब देखिए, इसमें टू द राइट जीरो सिग्निफिकेंट होता है अगर डेसिमल पॉइंट हो, तो देखे इसमें डेसिमल पॉइंट है, टू द राइट वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट है, और इन बिटवीन तो वैसे भी सिग्निफिकेंट है, डेसिमल पॉइंट हो के ना हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें। जीरो टू द लेफ्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट, डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, जीरो टू द लेफ्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, जीरो टू द लेफ्ट को क्या कहते हैं जी? जीरो टू द लेफ्ट को कहते हैं लीडिंग जीरो, जीरो टू द लेफ्ट, इसको शायद मैंने उधर उल्टा बताया था पहले, तो जीरो टू द लेफ्ट को आप लीडिंग जीरो कहते हैं, और जीरो टू द राइट जो होता है उसको आप कहते हैं ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो।
ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब ये लीडिंग जीरोस है, सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसमें चाहे डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, यानी अगर 004 सिंपली होता तब भी इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होता। ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है जी, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। देखिए लेफ्ट वाला सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन इन बिटवीन वाला है, तो इसमें तीन अगेन। अब इसमें देखिए लेफ्ट वाला तो सिग्निफिकेंट नहीं है, इन बिटवीन वाला तो है, और राइट वाला वो भी है। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट है, तो इसका मतलब इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आखिरी वाले को देखें, लेफ्ट वाला सिग्निफिकेंट नहीं है, दरमियान वाला है, राइट वाले होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट है, तो इसका मतलब एक दो तीन चार पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है। समझ आई कि नहीं? नॉन जीरो डिजिट सारे सिग्निफिकेंट है, इन बिटवीन वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट है, लेफ्ट वाले जीरो डेसिमल हो या ना हो सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट वाले जीरो अगर डेसिमल हो तो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल ना हो तो फिर डिपेंड करता है लिस्ट काउंट पर। लिस्ट काउंट गिवन है तो उसके मुताबिक होता है, लिस्ट काउंट गिवन ना हो तो फिर सिग्निफिकेंट नहीं होती। ठीक है, बस ये एग्जाम्पल थी जी। अच्छा अब क्या करते हैं जी, थोड़ा सा सिंपल सिंपल चीजें आपको डिस्कस करते हैं। अगर आपसे एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इनफाइनाइट है जी। क्यों? क्योंकि ये एक प्योर नंबर मैंने आपसे पूछा, सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1000 आर इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1000 किलोग्राम या 1000 एप्पल या 1000 लाइट्स या 1000 मार्कर्स, यानी उसके साथ मैंने एक यूनिट को एसोसिएट कर दिया, अब ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे तो डिपेंड करेगा लिस्ट काउंट के ऊपर। लिस्ट काउंट मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन ये वन तो सिग्निफिकेंट होगा ना? बिल्कुल होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस यूनिट। इधर तक समझ आई? बिल्कुल आई। मेरे पास कोई और सवाल अगर है तो मैं आपको बताता हूँ जी। मैंने इधर काफ़ी सवाल अपने लिए लिखे हुए हैं। अच्छा मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल पे आता हूँ। 1.123 प्लस 2.1 ज़रा करें, 1.123 प्लस 2.1 ज़रा करें जी, क्या आता है? आप डायरेक्टली इसको ऐड करें, 3.223 आता है। एडिशन में क्या होगा, जिसमें डेसिमल प्लेसेस कम होंगे फाइनल आंसर में उतने डेसिमल प्लेसेस होंगे। इसमें तीन है, इसमें एक है, फाइनल आंसर में एक होना चाहिए। 23 को मैंने ड्रॉप करना है, क्या ये लेस देन 50 है कि नहीं है? फाइनल आंसर मेरा 3.2 होगा, इसको ड्रॉप करें विदाउट एनी इफेक्ट। अच्छा नेक्स्ट सवाल देखे जी, नेक्स्ट सवाल देखे 100.0 मल्टीप्लाइड बाय 1 करें। चले 100.0 मल्टीप्लाई बाय 1, इन्होंने अपने लिए खूब आसान किया हुआ है, तो क्या ये 100.0 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप क्या करते हैं, एक्यूरेसी को देखते हैं। जितना लीस्ट एक्यूरेट होगा फाइनल आंसर उतना ही एक्यूरेट होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आप जाएंगे। तो इसमें देखिए वन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो फाइनल आंसर में आपके पास वन सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को भी मैंने ड्रॉप करना है, तो 100 से मैं 1 तो नहीं बना सकता, तो इसका मतलब है कि मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करूंगा 1 × 10⁻². तो इसमें अभी एक सिग्निफिकेंट फिगर है और ये 1×10⁻² 100 को भी एक्सप्रेस कर रहा है। समझ आई? बिल्कुल आई जी। अच्छा अब देखिए 1000.00 डिवाइड बाई 5 चले करें, 1000.00 डिवाइड बाई 5 करें, तो इसका आंसर आता है जी 200.00। ये जरा आप कैलकुलेटर से किया करें, या अगर आपको आती है तो आप खुद किया करें, कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर लिया करें। ठीक है, एंट्री टेस्ट वाले सवाल इस तरह नहीं आते जी, वो मैं आपको बता दूं। अगर ये 200.0 आ गया तो देखिए इसमें तो वन सिग्निफिकेंट फिगर है, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो फाइनल आंसर में आपका सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये 2, तो क्या 200 से मैं 2 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें, 2×10⁻². देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस में पीछे आया तो 2 पावर मैंने ऐड कर दिया, सो 2×10⁻² इज एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर 200 विद द प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एंट्री टेस्ट का सवाल होता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसको मल्टीप्लाई करें मुझे फाइनल आंसर बताएं, वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा, वो आपसे पूछेगा द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 63.12 मल्टीप्लाई 5.123 मल्टीप्लाई 2.4 इज, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे देखे, तो यानी कि जितने कम से कम वाले फिजिकल क्वांटिटीज में है उतने होंगे। इसमें देखे 4 है जी,
इसमें भी चार है, इसमें दो है, तो फाइनल आंसर में दो होने चाहिए। वो आपसे इसका आंसर नहीं पूछेगा, आपको नहीं कहेगा कि मुझे अब इसके आंसर्स बताएं टू द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, थोड़ा सा मैं जरा मुश्किल सवाल पे भी जाऊंगा, पहले जरा ये सिंपल सिंपल कर दें। अच्छा, 4.231 प्लस 7.51 करें, चले चले आसान आसान भी और भी है मेरे पास। 4.231 है प्लस 7.51 है, तो देखिए 10.741 नहीं, ये 4 और ये 3 है, सॉरी चले 3 हो जो भी हो यार, ये कोई मसला नहीं है, चले 7 कर दे यार। अच्छा, तो अब देखें इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। डेसिमल प्लेस यार इधर जरा लिख ले, अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो इसमें आप चेक करते हैं प्रिसीजन को, और प्रिसीजन का मतलब होता है डेसिमल प्लेसेस को। और जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात आती है उसमें आप चेक करते हैं एक्यूरेसी को, और एक्यूरेसी का मतलब है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अच्छा, और दोनों में आप फाइनल आंसर में जो है वो लीस्ट वाले पे जाते हैं। इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 2 है, इसको भी मैंने 2 सिग्निफिकेंट प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब 1 को ड्रॉप करना है, ये लेस देन 5 है तो डायरेक्टली ड्रॉप करें और आपका आंसर 7.74 आ जाएगा। यार ये आसान सवाल मैं नहीं करना चाहता, 2.36 प्लस 5.4 और 500 प्लस 1.35, ये आप खुद करें, लिख के जरा अपने पास लिख के 2.36 प्लस 5.4, ये आप खुद करें जो भी आता है, 500 प्लस 1.35 खुद करें यार, 43500 प्लस 176.21 खुद करें। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में जरा आते हैं, 8 मल्टीप्लाई 4 से पहले मैं 8 से आंसर करता हूँ, 8 मल्टीप्लाई 7, 8 से आंसर क्या आता है, 56 आता है ना, 56 आता है। अब मैथमेटिक्स में तो आप ये 56 लिखेंगे, लेकिन फिजिक्स के पेपर में आपने इसको 56 पर नहीं लिखना, क्योंकि आपने इसको राउंड ऑफ करना है टू व्हाट, टू द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो फाइनल आंसर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, इसका मतलब इस 6 को मैंने ड्रॉप करना है, और 6 को अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो ये ग्रेटर देन 5 है, तो लास्ट रिटेन डिजिट को मैं 1 ऐड करूंगा, तो इसका मतलब 6 इसका आंसर होगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, गलत है जी, 6 इसका आंसर किस तरह हो सकता है, आप 56 रुपए से 6 रुपए कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते जी। तो जिसने 6 लिखा है वो जरा बड़ा सा क्रॉस लगाए ताकि उसको फिर समझ आए इसकी, तो 6 के साथ मैं एक 0 को लगा दूंगा। ये 0 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने 56 को राउंड ऑफ किया टू द ग्रेटर टेंथ जो कि 60 आया, और अब इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये 0 टू द राइट तो सिग्निफिकेंट नहीं है ना, क्यों, क्योंकि मैंने डेसिमल पॉइंट तो नहीं लगाया। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया, ये एक कॉन्सेप्ट इधर मैंने आपको देना था। 8.4 मल्टीप्लाई 5 जरा करें, 8.4 मल्टीप्लाई 5 आप इस तरह भी कर सकते हैं, 4 5s आर 20, 8 5s आर 40, 42.0, 42.0। अब देखें इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 1 है, तो फाइनल आंसर में आपके पास 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, इसका मतलब इस 2 को मैंने ड्रॉप करना है जी, तो 2 को अगर मैं ड्रॉप करता हूँ, ये लेस देन 5 है कि नहीं है, तो डायरेक्टली ड्रॉप करें, इसका मतलब आप इसको 4 लिखेंगे तो 4 नहीं लिखेंगे ना जी, इसके साथ आप एक 0 भी लगाएं, सो 42 को मैं राउंड ऑफ कर दूंगा टू 40 बिकॉज दिस 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट टू द राइट। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सिमिलरली करें जरा 3.46 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 करें, 3.46 मल्टीप्लाई 2.1, चलिए ये भी मैं खुद कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है ठीक है, 1 6 are 6, 1 4 1 3, 2 6 are 12, 4 2 are 8, 9 3 2 are 6, 6 और 9 और 3 12 7। अब 2 डेसिमल प्लेस 1 तो फाइनल में 3 होनी चाहिए, 7.266 है, लेकिन देखिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 2 है, इसमें भी 2 होनी चाहिए, इसका मतलब 66 को मैंने ड्रॉप करना है जी, ये ग्रेटर देन 50 है, तो लास्ट रिटेन डिजिट के साथ मैं 1
ऐड कर दूंगा। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 7.3 आएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली बाकी आप करें, जरा मैं आपको बताता हूँ, 279 मल्टीप्लाइड विथ 83 जो भी आता है, 9.365 मल्टीप्लाई 14.315 जो भी आता है वो मेरा मसला नहीं। 32.6 को डिवाइड करें 2.8 पर, 32.6 डिवाइडेड बाय 2.8 क्या आता है जी, कैलकुलेटर से चेक कीजिए, आता है 11.64286 आता है, बिल्कुल आता है। अब देखें, इसमें तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें दो है, फाइनल आंसर में दो होने चाहिए। इस चीज को मैंने ड्रॉप करना है, देखें क्या ये ग्रेटर देन 5000 है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब इसको ड्रॉप करें, लास्ट रिटेन डिजिट के साथ 1 ऐड करें, इसका आंसर 12 आ गया। दो सिग्निफिकेंट डिजिट भी आ गए, राउंडिंग ऑफ भी आपने सीख ली। अच्छा नेक्स्ट देखें, 464.6895 चले, 464.6895 डिवाइडेड बाय, ये अब आपके पेपर के क्वेश्चन है, 12.145 क्या आता है जी इससे, 38.2617 जाते जाए 9498। अब देखें, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें 5, फाइनल आंसर को 5 तक राउंड ऑफ करें, 1 2 3 4 5 इस 1 तक करना है, ये बाकी आपने ड्रॉप करना है। देखिए ग्रेटर देन 5000 है कि नहीं है, स्टैंडर्ड को 5 के साथ बढ़ा दे जाएगी, दो सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए 50, 3 के लिए 500, 4 के लिए 5000, 5 के लिए 50000, 6 के लिए ये 50,000, 5 के लिए ठीक है, ग्रेटर देन 50,000 है, लास्ट रिटेन डिजिट के साथ 1 ऐड करें, इसका मतलब 38.262 इसका आंसर हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन तो आसान है, डेसिमल डिवीजन मेरे ख्याल में जो होती है ना वो इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल आपने 8.4 को 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 4s are 8 करें, और फिर जो 4 नीचे आता है सो 2 2s are 4 करें। यार डिवीजन मुझे नहीं आती, ठीक है, तो आपने हंसना नहीं है कि इतनी आसान मैंने किए। और ये जो डेसिमल पॉइंट होता है ये डायरेक्टली ऊपर ही जाता है जिधर होता है, सो इसका मतलब 4.2 इसका आंसर होता है। फिर आपने इसको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो इसको 4 लिख के, ठीक है। थोड़ा सा लंबा करें क्वेश्चन को जरा, 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 4.639 प्लस 2.316। अब देखिए जरा क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आती है कि नहीं, बिल्कुल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फाइनल आंसर के साथ देखेंगे जी क्या इतना आता है, 16.7004 प्लस 2.316। अब इसको करें तो क्या आता है, 22.5314। अब देखिए फाइनल आंसर में आप सिग्निफिकेंट डिजिट को डिसाइड करेंगे जी, तो इसमें देखिए इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस को आप देखेंगे क्योंकि एडिशन है आखिर में, तो इसमें है 3 और इसमें कितने हैं जी, इसमें 4, तो फाइनल आंसर में आपके पास 3 होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 22.531 क्योंकि 4 को मैंने उड़ा दिया है, ठीक है जी। अच्छा 8.9 को जरा मल्टीप्लाई करें 3.564, 8.9 मल्टीप्लाई 3.564 और फिर प्लस 2.316। अच्छा क्या आता है जी, सबसे पहले हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है, 8.9 को मल्टीप्लाई करें 3.564 के साथ, इसमें आता है 31.796। अब इसको ना देखेंगे इसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए, तो मैं 2 को राउंड ऑफ करता हूं, छोड़े राउंडिंग ऑफ आखिर में करेंगे, प्लस 2.316। अब इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों के बेसिस पे मैं फाइनल रिजल्ट को डिसाइड करूंगा, क्या आता है इससे 34.0356 आता है। अब इसको देखे फाइनली एडिशन है, तो मैं इस एडिशन के बेस में डिसाइड करूंगा, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें भी 3 है, फाइनल में भी 3 होनी चाहिए, 6 को आपने एक मिनट गलती हुई, अच्छा सॉरी गलती नहीं हुई,
ये बेसिकली 2316 है जी, ये 2316 है, इसमें पॉइंट नहीं है, 2316 है। तो देखिए इसमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है, तो फाइनल आंसर में आपके पास डेसिमल प्लेस नहीं होना चाहिए। तो इसको आपने राउंड ऑफ करना है। देखिए लेस देन 5000 है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो डायरेक्टली इसको राउंड ऑफ करें, 34 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखिए 9.4 minus 1.342 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइड बाय 2.3। करें यार जरा ट्राई तो करें ना, कितना आंसर आता है। चले इस तरह का तो मैंने आपको पिछले वीडियो में होमवर्क भी दिया था ना, इसको देखने, तो इसको देखने के बाद तो वो कर सकेंगे ना। तो 9.4 में से सबसे पहले 1.342 आप सब्ट्रैक्ट करें तो 7.898 आता है। अब इधर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की परवाह ना करें, हम आखिर में देखेंगे, 2.3 पे डिवाइड करें। अब इधर जो मेरा है फाइनल, जो मेरा क्या ऑपरेशन है वो डिवीजन है, तो मैं डिवीजन के ऊपर इसको डिसाइड करूंगा। पहले तो लिख के क्या आता है, 3.4391। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर इसमें दो है, इसमें चार है, फाइनल आंसर में दो होने चाहिए। तो देखे इनको मैंने ड्रॉप करना है, लेस देन 5000 है, डायरेक्टली ड्रॉप करें 3.4, मेरा आंसर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल है जी। आजान का मैं वेट करता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा इस तरह का यार एक और सवाल ले ले तो बस फिर इसको ख़त्म करते हैं। 7.856 + 8.23 + 11.4 और होल डिवाइडेड बाय कितना है जी, 8.1 है कि 8.9 है, चले 9 कर लो जो भी। सबसे पहले ऊपर एडिशन करें, एडिशन करेंगे तो 27.486 है, पता नहीं मैंने क्या लिखा है, अब ज़रा खुद करें, 24.486, चले तीन डेसिमल प्लेस तक है जो भी, 8.9। अब इसमें आप परवाह ना करें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, डेसिमल प्लेस होने चाहिए, आप सिर्फ ऐड करें। अब फिर फाइनल ऑपरेशन, अब देखिए एक आखिरी ऑपरेशन रह गया, इसके ऊपर मैं डिसाइड करूंगा, यानी कि अब अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं तो 3.088 3.088 3146 आता है। अब इसको मैं इस डिवीजन के ऊपर डिसाइड करूंगा, इसमें दो है, इसमें पांच है, फाइनल में दो होने चाहिए, 3.0 सिग्निफिकेंट है इसमें क्योंकि डेसिमल पॉइंट है। अब देखिए इसको मैंने राउंड ऑफ करना है, तो क्या ये ग्रेटर देन 500,000 नहीं है, तो राउंड ऑफ करें और 3.1 लिख दें। ठीक हो गए जी, बिल्कुल ठीक हो गया। पावर ऑफ 10 की जरा बात करते हैं, 3.61 × 10⁻³ प्लस 5.1 × 10⁻³, बेसिस सेम है जी, तो क्या करें, पावर सेम है, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करें, 8.62 आता है, 8.71 आता है, जो भी आता है, 8.71 × 10⁻³ आता है। 10⁻³ को तो छोड़े, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तीन, इसमें दो, फाइनल में भी दो होनी चाहिए, वन को ड्रॉप करना है, लेस देन फाइव है, डायरेक्टली ड्रॉप करें, 8.7 × 10⁻³ आ गए, सही हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। 5.4 × 10⁻³ प्लस 2.1 × 10⁻⁴। तो अब देखें 10⁻³ और 10⁻⁴ को तो आपस में ऐड नहीं कर सकते, दोनों पावर्स को आपने सेम करना होगा, तो या तो 3 से 4 बनाएं या 4 से 3 बनाएं। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को पीछे लाता हूं तो पावर को मैं ऐड करूंगा, इसका मतलब है कि 0.54 × 10⁻⁴ प्लस 2.1 × 10⁻⁴। या अगर डेसिमल पॉइंट को मैं आगे लेके जाता हूं, जिसका मतलब है 5.4 × 10⁻³ प्लस 21 × 10⁻³। डेसिमल पॉइंट को आगे लेके जाएंगे, पावर को पीछे, तो इन दोनों में से एक करें, करें जरा इस वाले को करें, तो क्या आता है 0.54, इससे आता है 2.64 × 10⁻⁴ 2.64 × 10⁻⁴। अब इसमें देखें दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें भी दो है, फाइनल में दो होने चाहिए, 4 को मैंने ड्रॉप करना है, ड्रॉप कर दीजिए, 2.6 × 10⁻⁴ आ जाएगा। ये वाले जरा खुद करें ना यार, खुद भी तो कुछ किया करें ना, मल्टीप्लाई करें, 2.1 × 10⁻³ 2.1 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड विद 4 × 10⁻⁵।
2.1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 8.4 आता है कि नहीं, इस तरह होगा कि नहीं, 2.1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें इनटू 10 टू द पावर्स को ऐड करें, 5 + 3, इससे 8.4 आता है, 8.2 आता है, 8.4 इनटू 10 टू द पावर 8 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन 8.4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें 2 है, इसमें 1, तो उसमें 1 होना चाहिए, इसका मतलब 4 को ड्रॉप करना है, लेस देन 5 है, डायरेक्टली ड्रॉप करें, 8 इनटू 10 टू द पावर 8 आ जाए। एक और करें यार जरा, 1.235 into 10 to the power 5, 1.235 into 10 to the power 5 and multiplied with 2.3 into 10 to the power 6, again उसी तरह करें, 1.235 into 2.3 और multiply 10 to the power 6 plus 5, क्या आता है जी, 2.8405, 2.8405 multiply 10 to the power 11, इसमें 4 significant figure, इसमें 2 final answer में 2 होने चाहिए, 405 को drop करना है, less than 500 है, directly drop करें, 2.8 into 10 to the power 11 आपका answer आ जाएगा। Similarly यार आप division भी तो कर सकते हैं ना, division वाला जरा खुद करें यार, 6 into 10 to the power 3, 6 into 10 to the power 6 divided by 3 into 10 to the power 2, ये मैंने अपने लिए आसानी के लिए लिख दिया, तो ये 2 into 10 to the power 4 आ जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर 62.3 हो into 10 to the power 5 हो divided by 24.1 into 10 to the power 2 हो, इसका आंसर जरा मुझे बताएं ना कमेंट सेक्शन में। ये तो आसान बात है, ये तो आसान बात है, एंट्री टेस्ट का सवाल होता है, एंट्री टेस्ट का सवाल किस तरह होता है, एन ऑब्जेक्ट इज वन, इधर जो मैंने लिखा है वही लिखता हूं यार, इस तरह करें, जो लिखता है उसको मैं क्यों लिखता हूं, चले 12, एन ऑब्जेक्ट इज 12 फीट लॉन्ग, How long will be 5 such objects? Yeah, how long will be 5 objects? Yeah, the length of a particular thing is 5. The weight of this marker is 20 grams. Is tarah likhe chale. The weight of this marker is 20 grams. How much will 5 markers weigh? ये एंट्री टेस्ट का सवाल इस तरह होता है। ये जो मैंने डिस्कशन की ये इसलिए की कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ आ जाए, राउंडिंग ऑफ समझ आ जाए और इन दोनों के रूल समझ आ जाए। पेपर में आपका सवाल इससे आ सकता है, एंट्री टेस्ट में इतनी डिटेल के लिए टाइम नहीं होता कि आप मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, एंट्री टेस्ट में आपका कॉन्सेप्ट चेक होगा, इस तरह का सवाल और एक दो मैंने आपको इधर बताए कि वो डायरेक्टली आपसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ लेगा। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, आप नहीं देते तो मजबूरन मुझे फिर अगली वीडियो में बताना पड़ेगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, किस चीज के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, बुक वाली जो एग्जाम्पल्स है आसान लगेंगी आपको। ठीक है, चले अल्लाह हाफिज।